सद्भावना न्यूज एंड एम पूनम शर्मा। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा 3 मामलों में इंदौर जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक श्री मनीष कपूरिया को 15 जनवरी 2022 को आयोग में व्यक्तिशः आकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। आयोग द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक श्री कपूरिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध 5,000 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जाए। आयोग ने उप पुलिस महानिरीक्षक कपूरिया को 5,000 रुपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामिली पुलिस महानिरीक्षक इंदौर के माध्यम से कराई जाएगी। आयोग में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 130 इंदौर 2021, प्रकरण क्रमांक 437 इंदौर 2021 तथा प्रकरण क्रमांक 2369 इंदौर 2021 में कई स्मरण पत्र देने के बावजूद भी वांछित प्रतिवेदन न देने के कारण उप पुलिस महानिरीक्षक कपूरिया को आयोग में व्यक्तिशः उपस्थित होने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण क्रमांक 130 में विजयनगर इंदौर निवासी आवेदक मान सिंह पिता बाबू सिंह रघुवंशी ने उनके बेटे एवं बहू द्वारा आकरण अकारण विराद करने, गाली गलौज व मारपीट करने, उनके मकान पर कब्जा कर लेने का प्रयास करने तथा उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देने की शिकायत कर आयोग से उन्हें व उनकी पत्नी को सुरक्षा दिलाने का अनुरोध किया था। प्रकरण क्रमांक 437 में गोमा की फेल मालवा मिल इंदौर निवासी आवेदक हिमांशु पिता रितेश खंडेलवाल किसी स्त्री द्वारा उन्हें दी जा रही प्रताड़ना और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी देकर पैसा ऐंठने तथा उन्हें शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक प्रताड़ना दिए जाने की शिकायत कर आयोग से संबंधित स्त्री के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इसी प्रकार प्रकरण क्रमांक 2369 में शीतला माता बाजार इंदौर निवासी आवेदिका श्रीमती वैशाली पत्नी आशीष टोंगिया ने मंगलम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इंदौर के स्वामी पंकज जैन द्वारा उनसे प्लॉट बुकिंग की राशि ले लेने के उपरांत भी उन्हें भूखंड ना देकर धोखाधड़ी करने की शिकायत कर आयोग से उन्हें न्याय दिलाने का अनुरोध किया था। इन तीनों ही प्रकरणों में आयोग ने उप पुलिस महानिरीक्षक इंदौर को प्रतिवेदन देने को कहा था। प्रतिवेदन न मिलने पर आयोग ने इन्हें कई स्मरण पत्र भी भेजे, परंतु न तो प्रतिवेदन मिला और न ही उप पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ने कोई जवाब प्रस्तुत किया। अतः अब इस मामले में आयोग ने उप पुलिस महानिरीक्षक इंदौर मनीष कपूरिया को 15 जनवरी 2022 को आयोग के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। इसके लिए आयोग द्वारा मंगलवार यानी 23 नवंबर 2021 को डीआईजी इंदौर को नामजद कारण बताओ नोटिस एवं 5,000 रुपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली के लिए पुलिस महानिरीक्षक इंदौर को भी मंगलवार को ही पत्र भेज दिया गया है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.